नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 5 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड। हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवम्बर को। इस दिन ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर हुए थे। फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको आप रिपब्लिक डे भी बोलते हो हिंदी में, गणतंत्रता दिवस। लेकिन एक्चुअली में जो सिग्नेचर पड़ गए थे वो 26 नवंबर को पड़ गए थे। तो इस कंटेक्स्ट में रिसेंटली ही कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया और सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में एक ग्रैंड इवेंट हुआ। लेकिन इस ग्रैंड इवेंट में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। ये पर्टिकुलर आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन डे की सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं पीडीटी अचारी साहब, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर ये जो अगला आर्टिकल है, द स्टेपिंग स्टोन इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इसमें देखिए कोई बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली में ये जो आर्टिकल है वो चंद्रजीत बनर्जी साहब ने लिखा है, जो कि डायरेक्टर जनरल है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, हमारे देश के बिजनेस ग्रुप्स का एक ग्रुप है, कह सकते हो फॉर्मल ग्रुप। तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस फ्रेटर्निटी किस प्रकार से सोचती है उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इनके व्यू पॉइंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, बहुत पोटेंशियल कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट नहीं है, बट ठीक है, एक बार इसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे एक डेमोक्रेसी समिट कंडक्ट किया गया है जो बाइडन के द्वारा। अब डेमोक्रेसी समिट में जिन जिन कंट्रीज को इन्वाइट किया गया वो बड़ा अजीब लगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया, लेकिन बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया गया, भूटान को इनवाइट नहीं किया गया। तो ये कैसी डेमोक्रेसी समिट आपने करवाई? पाकिस्तान जैसी कंट्री जहां पे माइनॉरिटीज को इतना मारा जाता है, प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, आर्मी का राज चलता है, उसको आप बुला रहे हो। और बांग्लादेश तो एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, भूटान एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, इनको आप इन्वाइट नहीं कर रहे डेमोक्रेसी समिट में। तो किस बेसिस पे यहाँ पे आपने लोगों को, मतलब कंट्रीज को इंक्लूड किया और एक्सक्लूड किया, इस बात पे सवाल उठाया गया। तो इस आर्टिकल में बात करेंगे। फिर अगला, जूलियन असेंज फिर से न्यूज में। देखिए, विकीलीक्स के फाउंडर थे जूलियन असेंज, और अमेरिका का अफगानिस्तान और इराक के वॉर में जो इन्वॉल्वमेंट था, उस इन्वॉल्वमेंट में अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या गलत किए, इसके कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था जूलियन असेंज ने, इसलिए अमेरिका की सरकार इनके ऊपर हाथ धो के पड़ गई है। अब ये फंस गए हैं, अभी के लिए ये यूनाइटेड किंगडम के एक जेल में बंद है। इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि अगर जूलियन असेंज यूके से यूएसए भेज दिए जाते हैं, इनका अगर एक्सट्राडिशन हो जाता है, तो ये प्रेस फ्रीडम के लिए एक मौत का दिन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जूलियन असेंज को परेशान नहीं करना चाहिए। तो क्या है जूलियन असेंज की कहानी, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझेंगे ओवरऑल क्या ऑथर यहाँ पे बोलना चाह रहा है। फिर फ्लॉड इस्लामिक डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। और ओवरऑल पायलट्स जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हैं, अभी रिसेंटली बिपिन रावत साहब का देहांत हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, आप सब इस बारे में जानते हो। तो इस कंटेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट दिया है। व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जीआर गोपीनाथ साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, ये फॉर्मर सोल्जर भी रह चुके हैं और एयर डेक्कन के फाउंडर हैं, तो इनके व्यू पॉइंट काफी अच्छे लगे, इसलिए ओवरऑल हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस अभी अलग से वीडियो में करेंगे। ये पर्टिकुलर आर्टिकल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, द ड्रीम ऑफ बीइंग अ चिप हब, ये मैं कहूंगा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडिया को अगर चाइना जैसी कंट्रीज को टक्कर देनी है तो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस को बढ़ाना पड़ेगा, और इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप कह सकते हो कि एक कदम बढ़ाया है इंडिया ने। कैसे? तो इंडिया एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है, किसकी मदद से? ताइवान की मदद से। और इस कंडक्ट में टाटा ग्रुप 3 स्टेट्स के साथ बातचीत कर रहा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश है वो अब यहाँ पे फ्रक्टिफाई होती नजर आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत 2014 में ही हो गई थी आंध्र प्रदेश में। तो इसकी शुरुआत से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था, ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हो सके तो हेल्प करें, इससे खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। तो चलिए समझते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया 26 नवंबर को, और इसके लिए एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन हुआ सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में।
तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है भाई, हमारे नागरिकों को याद दिलाया जा रहा है कि भाई देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 72 साल पहले अडॉप्ट किया था, भारतीय संविधान में ये अच्छी बातें हैं, ओवरऑल हमने इतने अच्छे तरीके से राज किया, कुल मिला के संविधान की जो ग्रेटनेस है इसको लोगों को याद दिलाया जा रहा है। शायद ये पार्लियामेंटेरियंस अपने आप को भी इस बात को याद दिला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन भी पॉलिटिक्स आप सेपरेट नहीं कर सकते। ओवरऑल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अचीवमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिखाएंगी और कहीं ना कहीं से अपना पॉलिटिकल एजेंडा तो यहां पे घुसा ही देंगे। ओके, अगर आप देखो तो आज की डेट में जो पॉलिटी है और इंडिपेंडेंस के समय पे जो पॉलिटी है वो पूरी बदल चुकी है। अगर आप बीजेपी की बात करो तो बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट बोलती है, कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट बोलती है। अच्छा, आज की डेट की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है जो कि गांधी जी और नेहरू जी के समय पर हुआ करती थी। गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो कांग्रेस थी वो बिल्कुल अलग थी। उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लड़के इंडिया को जिताया था और आज की डेट में कांग्रेस वैसी नहीं रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत दूध की धुली है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने लेवल पे चीजों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करती है, अपना बेनिफिट निकालने की कोशिश करती है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बेसिक एथोस को अगर आपको समझना है तो ओवरऑल जिस इंटेंशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उस इंटेंशन को आपको समझना पड़ेगा। समझ गए? ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनना एक आइसोलेटेड एक्सीडेंटल इवेंट था, एकदम से बहुत सारे लोग सुबह उठे, उन्होंने साथ में बैठ के चाय पी, बैरिस्टर जुरिस्ट ने उन्होंने बोला कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते। नहीं भाई, ये एक बहुत लंबा स्ट्रगल था, बहुत लंबे समय से स्ट्रगल हो रहा था और इसकी शुरुआत करी गई थी 1935 में। 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने ये बोला कि भाई फ्री इंडिया का एक संविधान बनाया जाएगा और उस संविधान को बनाने के लिए एक असेंबली सामने आएगी और उस असेंबली को एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुना जाएगा। जी हाँ, उस समय पे एडल्ट फ्रेंचाइज एक सपना हुआ करता था। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि हर एडल्ट बराबरी से वोट डाल सकता है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, मैंने मेरी पढ़ाई हुई पढ़ी है, खुद से भी पढ़ी है, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है कि आज़ादी से पहले हमारे देश के हर नागरिक के पास वोट डालने का अधिकार नहीं था। केवल उन नागरिकों के पास वोट डालने का अधिकार था जो कि या तो किसी बड़ी आला पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, या फिर उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड था, या फिर वो एक मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स पे करते थे। समझ गए? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 में बोला, ठीक है, कि भाई देखिए हम एक ऐसा संविधान चाहते हैं जिसको एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए जिस असेंबली के सारे मेंबर्स देश के लोगों द्वारा चुने गए हों। लेकिन ओवरऑल ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसी असेंबली द्वारा नहीं बनाया गया। 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया जाएगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, बहुत हद तक धर्म पर आधारित थी, लेकिन जैसे तैसे करके एक असेंबली बन गई थी और उस असेंबली ने हमारा संविधान बना दिया। 1946 में ये संविधान के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और नवंबर 1949 3 साल बाद जाके ऑलमोस्ट ये खत्म हुई। 26 नवंबर 1949 का दिन सुबह पानी बरस रहा था, ड्रिजलिंग हो रही थी और हमारे संविधान के ऊपर सिग्नेचर पड़ रहे थे और उसी दिन आप देखोगे कि हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया। हालांकि 26 जनवरी 1950 को वो ऑफिशियली इन्फोर्स हुआ, उसकी रीजन ये थी कि 26 जनवरी के दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर पूर्ण स्वराज का नारा दिया था रावी नदी के किनारे। तो उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्रता दिवस बताया गया, लेकिन एक्चुअली में संविधान बन के तैयार हो चुका था, सिग्नेचर पड़ चुके थे सबके, कब? 26 नवंबर 1949 को। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन डे की सेलिब्रेशन में एक बात पीडीटी आचारी साहब ने बिल्कुल सही बोली है कि देखिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करना है तो भाई नेहरू जी को याद करना पड़ेगा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करना पड़ेगा। ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मूव किया था और आज का जो हमारा प्रेजेंट डे प्रीएम्बल है ना वो इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के हिसाब से बना है। अगर आप देखो तो हमारे संविधान में बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स का एक समावेश है, जैसे यूरोपियन रेनेसा की बात है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस की बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्शियंस, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल,
ये सब कहीं ना कहीं नेहरू जी की वजह से आया। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल नेहरू जी सब कुछ कर रहे थे, बट ओवरऑल चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे तो फ्रंट से लीड कर रहे थे, और ओवरऑल उनका जो यहाँ पे आप कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, ये सब बातें। हालांकि हमारे देश की जो सोसाइटी है इसने आज तक इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के आइडिया को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया है। कहाँ है आज की डेट में हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी, कहाँ है सोशल जस्टिस, पूरी तरीके से तो देखो नहीं आया है। हम दुनिया की बहुत सी कंट्रीज से अच्छे हैं इक्वालिटी सोशल जस्टिस के मामले में, पर बहुत सी कंट्रीज से खराब भी। फिर यहाँ पे अंबेडकर जी की बात हो रही है, ठीक है, कभी कभी हम लोग अंबेडकर जी को भी याद करते हैं। अंबेडकर जी को देखिए दो कंटेक्स्ट में ज्यादा याद किया जाता है। एक तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के हालात को सामने लेके आए, वो गांधी जी से लड़ गए, बहुत सारे कंटेक्स्ट में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस की कंडीशंस को सामने रखा। दूसरा बाबा साहब को इसलिए याद किया जाता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे, तो नो डाउट जो सोशल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया हुआ है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय अंबेडकर साहब को जाता है। ठीक है, हालांकि अंबेडकर साहब ने अपनी एक स्पीच में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला भी था कि उनका ऐसा कोई भी मूड नहीं था कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन जाएं, वो तो सामने आए थे डिप्रेस्ड क्लासेस के हित को लेके, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस के बाकी मेंबर्स ने सामने प्रस्ताव रखा और अंबेडकर साहब को यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन आप देखोगे कि अंबेडकर साहब के व्यूज बहुत सारे केसेस में गांधी जी के साथ और बाकी कांग्रेस की लीडरशिप के साथ नहीं मिलते थे। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोमोलगेट होने के कुछ समय बाद भी कांग्रेस की लीडरशिप के साथ अंबेडकर साहब के बहुत सीरियस इश्यूज उठाए थे। लेकिन आप अगर देखें तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, इसको ओपनली सपोर्ट नहीं किया था अंबेडकर साहब ने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, अंबेडकर जी उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कांग्रेस की लीडरशिप ने खुले दिल से अंबेडकर साहब का स्वागत किया और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये भी इंडियन डेमोक्रेसी की एक बहुत स्ट्रांग बात थी और कांग्रेस के लीडर्स के कैरेक्टर को डिस्प्ले करता था। अब बात आ जाते हैं अकाउंटेबिलिटी की। देखिए ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे संविधान की अगर आप बात करो तो दो ब्रांचेस तो बिल्कुल अकाउंटेबल बताई जाती है, एक एग्जीक्यूटिव एक लेजिस्लेटिव। खासकर ये जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना भाई। तो जो भी हमारे मिनिस्टर वगैरह प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं वो लेजिस्लेचर में से चुने जाते हैं, और लेजिस्लेचर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, अगर लोकसभा में मोशन पास हो जाए सरकार गिर जाएगी, तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। सेमली लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये MPs और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इनको हर 5 साल बाद इलेक्शन में लड़ना है, लोगों को फेस करना है। लोगों ने वोट दिया तो ही इलेक्ट होगे, नहीं दिया तो तुम बाहर हो। तो इन कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो ये जो दो ब्रांचेस हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनकी अकाउंटेबिलिटी तो तय है। लेकिन एक ब्रांच जिसकी अकाउंटेबिलिटी पे हमेशा सवाल उठाया जाता है वो है जुडिशरी। और इनफैक्ट जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को लेकर पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सवाल उठाती है, समझ गए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का ये बोलना है कि भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल किया जाता है, आप जुडिशरी को अकाउंटेबल क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत हद तक सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लागू करके जुडिशरी को कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी बट हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जुडिशरी को हमारे संविधान के अंदर हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस दी है। इनफैक्ट देखा जाए तो बाय एनी स्टैंडर्ड्स आपको जुडिशरी को कोई बॉडी रेगुलेट करती नजर नहीं आएगी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों की ताकतें जुडिशरी के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा लिमिटेड है। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि जुडिशरी अपने लिमिट्स को बहुत ज्यादा क्रॉस करे, इसके भी हमने कम साक्ष्य देखे। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होती है, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म तब जरूरी हो जाता है जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे संविधान ने जुडिशरी को एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी है, जिसको रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना साहब ने पॉइंट आउट भी किया है। लेकिन ये स्पेशल इंपॉर्टेंस जरूरी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर कमान कसने के लिए, लगाम कसने के लिए। केशवानंद भारती जजमेंट आप सबको याद होगा, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं आता ना तो पता नहीं हमारे पॉलिटिशियन संविधान का क्या कर डालते।
ये तो हमारी जुडिशरी थी जिसने हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बचा के रखा है। तो ओवरऑल एंड में इस आर्टिकल में यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पेशल इंपॉर्टेंस हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा जुडिशरी को दी गई है, खासकर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं द स्टेपिंग स्टोन्स इन द पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही बताया जा रहा है शुरुआत में कि भाई COVID-19 के पैंडमिक ने लाइव्स और लाइवलीहुड्स को अफेक्ट किया, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफ आ गया जिससे ग्रोथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट रुकने लगी, एम्प्लॉयमेंट रुकने लगी। ठीक है ना, इंडस्ट्री, एकेडमी या NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबको कहीं ना कहीं नुकसान आया है। तो इस नॉवल कोरोना वायरस के पैंडमिक से पता चल गया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ्स को लाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन को लाने के लिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सोर्स को बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर यहाँ पे ओवरऑल चंद्रजीत बनर्जी साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, वो ये बता रहे हैं कि भाई अगर इंडिया की बात की जाए तो मल्टीपल लेवल्स पे दुनिया बदल रही है, यहाँ पे इंडिया के पास एक मौका है कि ग्लोबल स्टेज पे इंडिया अपनी ताकत को दिखा सकता है, और इनफैक्ट इंडिया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए इंडिया में, जैसे कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो फिस्कल, आप कह लो इंटीग्रेशन को पूरी दुनिया के साथ इंडिया आगे बढ़ा रहा है, ट्रेड गेंस को इंटेंस करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पूरी दुनिया COVID-19 की वजह से अफेक्टेड है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अफेक्टेड है, मैन मेड प्रॉब्लम्स की वजह से अफेक्टेड है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो। इनफैक्ट ये जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ओवरऑल, ये कहीं ना कहीं इनका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो एंथ्रोपोजेनिक है। तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर भले इंडियन इकोनॉमी ने एक हिट लिया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के सामने अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ डाटा बताया, कोट किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका ये इंडिकेशन है कि भाई 2020 के कंपेरिजन में 2021 में अगर आप देखोगे तो 22.4% का ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड बढ़ता हुआ यहां पे नजर आ रहा है, और COVID-19 के पहले जितना वर्ल्ड ट्रेड था उससे 15% ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, इस बात के अंदाजे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में जो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो $852 बिलियन पे पहुंच चुकी है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, बट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत सारे ये जो FDI फ्लोज हैं ये डेवलपिंग इकोनॉमीज में जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप देखो तो 2021 के फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हो डेवलपिंग इकोनॉमीज में $427 बिलियन इन्वेस्ट किए गए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 852, उसमें से डेवलपिंग में कितना गया $427 बिलियन। और आगे आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोसेस में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है ना भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है ये सब बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की बातें बता रहे हैं कि अच्छा अच्छा हो रहा है। देखिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेरे पास आपके बताने के लिए कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये आपके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल ओवरऑल इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि भाई कैसे ट्रेड और इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कोविड के इफेक्ट के बाद बढ़ रही है, किस प्रकार से इंडिया इसका फायदा उठाए। अभी इंडिया के फायदा उठाने के लिए क्या क्या है यहाँ पे, तो भाई टेलीमेडिसिन का राइज हो रहा है, रिमोट वर्क, ई लर्निंग का राइज हो रहा है, डिलीवरी सर्विसेज, इस प्रकार की चीजों का लाइव हो रहा है। तो जो भी इन प्रकार की टेक्नोलॉजीज में एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, टूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ऑक्यूपेशनल ट्रांजिशन हैं, इनको इंडिया को रियल टाइम में अडेप्ट करने की जरूरत है। इंडिया को स्किल डेवलपमेंट और वर्कर ट्रेनिंग करने की जरूरत है, एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाने की जरूरत है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडिया को करनी है, वैक्सीन डेवलपमेंट, जीनोम सीक्वेंसिंग, इन सब चीजों में इंडिया को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लस अभी COP26 हुई है, तो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स एफिशिएंसी,
मतलब एक प्रकार की खिचड़ी सी पका दी इस आर्टिकल में, जो समझ में आ रहा है उसको ट्रेड के साथ जोड़ के ओवरऑल ये करने की जरूरत है वो करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लस इंडिया को यहाँ पे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह दिखाया जा रहा है, हमने 150 कंट्री को मेडिसिन भेजी, ओवरऑल हमारा खुद का वैक्सीनेशन कैंपेन बढ़ा है दुनिया भर के साथ, हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी है, फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई चेन इंडिया के अंदर है, तो इन सब चीज़ों का लेवरेज लेके इंडिया को अपनी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है, एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना है और बाकी इलाकों में इंडिया को अपने आप को इंटीग्रेट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स ज्वाइन करनी है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ इन्वेस्टमेंट किए, सब सारी इन्वेस्टमेंट्स क्लाइमेट आप कह लो मतलब क्लाइमेट कॉशियस होनी चाहिए, ओवरऑल हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ना बढ़ाएं, ये भी हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए फ्रीडम एंड पावर, इलेक्टेड लीडर्स मस्ट कीप देयर प्रॉमिसेस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर द पीपल। देखिए भाई, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने समिट फॉर डेमोक्रेसी को यहाँ पे मतलब पहले अनाउंस किया और ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे इसको कंडक्ट भी करवाया। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब सामने सामने डेमोक्रेसी हमें नीचे जाती नजर आ रही और कहीं ना कहीं मिस्टर बाइडेन ने इस समिट फॉर डेमोक्रेसी को कंडक्ट करके ओवरऑल डेमोक्रेसी के प्रति अपनी जो सीरियसनेस है इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। 110 नेशंस को यहाँ पे इनवाइट किया गया, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसे नेशंस को इनवाइट नहीं किया गया जिनको इनवाइट करना चाहिए था, जिसके बेसिस पे ऐसा बोला जा रहा है कि यूएस ने यहाँ पे आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। जैसे साउथ एशिया में पाकिस्तान को तो इनवाइट किया गया, इंडिया को तो इनवाइट किया ही जाएगा, नेपाल को इनवाइट किया जाएगा किया गया, लेकिन बांग्लादेश भूटान और श्रीलंका को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया जोसेफ बाइडेन ने। अब श्रीलंका में तो चलो फिर भी समझ में आता है, बांग्लादेश और भूटान को कौन से बेसिस पे यहाँ पे इग्नोर किया आपका यूएस ने, ये बात नहीं समझ में आती। ठीक है, तो सबसे खास बात यहाँ पे ये कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी आप कौन से बेसिस पे जस्टिफाई करोगे। यहाँ पे रशिया और चाइना को एक्सक्लूड किया, जब रशिया और चाइना को एक्सक्लूड किया तो इन दोनों का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया यूएस में, जो रशियन और चाइनीज इन्वेस्टर्स थे उन दोनों ने मिलकर बोला कि भाई देखिए हमारा जो सिस्टम है वो बहुत हद तक डेमोक्रेसी पास है। सोचिए कितनी अजीब बात है, रशिया तो चलो फिर भी वहां पे इलेक्शन होते हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, समझ में आता है, चाइना कौन से बेसिस पे अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहा है। वैसे मैं बता दूं कि चाइना वाले फर्जी तौर पे लोकल लेवल पे कुछ नाम के इलेक्शंस कंडक्ट कर देते हैं, तो शायद उस बेसिस पे वो अपने आप को डेमोक्रेसी क्लेम कर रहे होंगे। बहरहाल अगर आप देखो तो रशिया और चाइना ने राइटली इस बात को पॉइंट आउट किया है कि यूएस बहुत बेकार पचड़ों में इन्वॉल्व रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जगहों पर रिजाइम चेंज करवाना, तख्ता पलट करवाना, जिसमें इराक, लिबिया, अफगानिस्तान, इन सब जगहों पे यूएस की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का। तो नो डाउट आज की डेट में डेमोक्रेसी के ऊपर एक समिट होस्ट कर रहे हैं जो बाइडेन, बट यूएस कितना दूध का धुला है पूरी दुनिया को पता है और इस बात को ओपनली पॉइंट आउट कर रहे हैं कौन, रशिया और चाइना। प्लस अभी के लिए अगर आप देखो तो पिछले एक दो सालों में बहुत सारी जगहों पे ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स ताकत में हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान की बात हो, चाहे म्यांमार में मिलिट्री जनता का राज हो। तो भाई डेमोक्रेसी के प्रति जो कमिटमेंट दुनिया का वो भी यहाँ पे कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि म्यांमार के अंदर ओवरऑल मिलिट्री लीडरशिप आ गई लेकिन कोई भी एक्सटर्नल कंट्री अभी ओपनली इंटरवीन नहीं कर रही है म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। तो कुल मिला के ओवरऑल डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है इसको ग्लोबली एक्सेप्ट करना पहली बात तो जरूरी है। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दे रहा है, रशिया अपनी डेफिनेशन दे रहा है, चाइना अपनी डेफिनेशन दे रहा है, कल को डेट में नॉर्थ कोरिया भी बोलने लगेगा कि हम भी डेमोक्रेसी हैं। तो पहली बात तो आप एक ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन लेके आओ डेमोक्रेसी की, क्या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। दूसरा, यहाँ पे समिट फॉर डेमोक्रेसी जो कि जो बाइडेन ने कंडक्ट की थी, यहाँ पे गेस्ट लिस्ट इंक्लूसिव होनी चाहिए थी, आपने जो बहुत सारी कंट्रीज को एक्सक्लूड कर दिया ये देखिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है भाई, फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अच्छी चीजें भी कही, जैसे समिट फॉर डेमोक्रेसी ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई हम फ्री मीडिया को लेके आएंगे, फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे यूएस के अंदर, वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, अथॉरिटोरियनिज्म जैसी चीजें नहीं होंगी, करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हम नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी ने भी स्पीच में बोला कि इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिव ग्रीवेंस रिडर्सल और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये सब इंडियन डेमोक्रेसी में किया जाएगा। हालांकि समिट फॉर डेमोक्रेसी में कुछ बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स जैसे कि गूगल,
फेसबुक ट्विटर इन सब के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि ये डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म करते हैं, छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को आगे नहीं आने देते हैं, इनका क्या डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट रहा है COVID-19 और क्लाइमेट चेंज के चलते, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बात हुई है। फिर आज की दुनिया में हाइपर नेशनलिज्म का माहौल है, आप इंडिया की बात कर लो, आप US की बात कर लो, आप ब्राज़ील की बात करो, लोग बहुत ज़्यादा हाइपर नेशनलिस्ट हो रखे हैं, ज़ेनोफोबिया, मेजॉरिटेरियनिज्म। तो इसके चलते जो डेमोक्रेसी के कोर सिद्धांत हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी के कोर सिद्धांतों में आता है रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट, प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट, अलग अलग फैक्शंस को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो जब आप हाइपर नेशनलिस्ट हो जाओगे, ज़ेनोफोबिया आ जाएगा, मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करने लगोगे, तो डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट्स जैसे कि रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिवनेस और प्लूरलिज्म, ये यहाँ पे इग्नोर हो जाएंगे। तो डेमोक्रेसी चैरिटी की तरह है, जिस प्रकार से चैरिटी घर पे शुरू होती है उसी प्रकार से डेमोक्रेसी घर पे शुरू होती है। सबसे पहले अलग अलग कंट्रीज को अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और तब आप समिट लेवल के कॉन्फ्रेंसेस करवाओ और ओवरऑल दुनिया भर में डेमोक्रेसी को ढूंढरा पीटो। तो जो US के अंदर ब्लैक और व्हाइट के बीच में लड़ाई होती है, पहले अपने पचड़े सुलझाओ, फिर दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे लेक्चर दो। कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, एसेंज शुड नॉट बी ट्राइड फॉर एक्सपोजिंग अब्यूज ऑफ पावर एंड मस्ट वॉक फ्री। अभी भाई लंदन की हाई कोर्ट में एक रूलिंग आई है कि जो विकीलीक्स के फाउंडर है जूलियन एसेंज साहब, जो कि अभी के लिए एक इंग्लैंड के प्रिजन में बंद है, इनको US एक्सट्राडाइट किया जाएगा। USA में इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया एस्पियोनाज एक्ट के अंदर, और अगर कल की डेट में ओवरऑल जूलियन एसेंज को UK से छोड़कर USA भेज दिया जाता है तो ये प्रेस फ्रीडम के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसी साल एक लोअर कोर्ट ने US की जो एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है ना उसको कैंसिल कर दिया था। ये बोला था कि जूलियन एसेंज की मेंटल हालत अच्छी नहीं है, और जूलियन एसेंज के जो भी लॉयर्स और डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि चूंकि अमेरिकन प्रिजंस में हालत बहुत खराब है, तो अमेरिकन प्रिजंस की इस गंदी हालत के चलते जूलियन एसेंज सुसाइड भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में अमेरिकन अथॉरिटीज ने UK की हाई कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जूलियन एसेंज को रिस्ट्रिक्टेड प्रिजन कंडीशंस में नहीं रखा जाएगा, यह हम एक्स्ट्राडिशन की कंडीशन में इंश्योर करेंगे। तो कुल मिला के US अथॉरिटीज ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट को बहुत सारे एश्योरेंसेस दिए, जिस एश्योरेंसेस के आधार पर ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, जूलियन एसेंज को एक्स्ट्राडाइट करके वापस US भेजा जा सकता है। लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है, इस हाई कोर्ट के डिसीजन को अपील किया जाएगा हायर कोर्ट में, और अभी एक्स्ट्राडिशन में लंबे समय लग सकता है। कल की डेट में मान लो जूलियन एसेंज जो कि अभी के लिए 50 साल के US पहुंच जाते हैं, तो US के अंदर इनके ऊपर इतने इल्जाम लगाए गए ना कि 175 साल ये US की जेल में ही काट देंगे। हालांकि अभी जूलियन एसेंज फाइनली US जा नहीं रहे, अभी बहुत लंबी लीगल प्रोसीडिंग्स बाकी है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बहुत लंबे समय से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जेल में ही बंद है जूलियन एसेंज साहब। 2012 में इन्होंने लंदन में जो इक्वाडोर की एम्बेसी थी वहां पर रिफ्यूज लिया था। क्यों रिफ्यूज लिया था? क्योंकि इनके ऊपर स्वीडन के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया गया था। बाद में ओवरऑल ये इल्जाम क्लियर हुआ। फिर भाई बेल कंडीशंस को ब्रीच करने के लिए UK के अंदर इनको 50 हफ्ते की जेल हुई। अभी के लिए लंदन के बेलमार्श प्रिजन में जूलियन एसेंज यहां पे बंद है। देखा जाए तो विकीलीक्स पे इराक और अफगानिस्तान में जो US वॉर लड़ रहा था उससे रिलेटेड कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जूलियन एसेंज ने लीक कर दिया, और ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सारे मीडिया हाउसेस ने पब्लिश की थी। तो इसके चलते ओवरऑल US की सरकार नाराज हो गई कि हम जो कर रहे हैं उसको ये आदमी पॉइंट आउट कर रहा है। अब एक पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मान लो इस प्रकार की कोई सेंसिटिव न्यूज बाहर आई है जिसमें गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गलत चीजें की गई हैं, तो उसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे US गवर्नमेंट ने सुधारने की बजाय जूलियन एसेंज के पीछे भागना शुरू कर दिया, और ये बोला कि जूलियन एसेंज ने एस्पियोनाज एक्ट को वायलेट किया, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का एक लॉ है, ठीक है। प्लस US की अथॉरिटी ये भी बोलती कि ये एक जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यहां पे ये है कि भाई देखिए, एक कंट्रोवर्शियल लॉ को इस्तेमाल करके US की अथॉरिटी एक ऐसे इंसान को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं जिस इंसान ने एक जेन्युइन गलती को पूरी दुनिया के सामने रखा था। अगर यहाँ पे जूलियन एसेंज ने पॉइंट आउट किया है कि इराक और अफगान वार में US की फोर्सेस ने गलत किया है, तो उस गलती को सुधारने की जरूरत है, ना कि जूलियन एसेंज के आप पीछे पड़ जाओ। और डोनाल्ड ट्रंप हाथ पांव धो के नहा के जूलियन एसेंज के पीछे पड़ गए थे, और वो जो पीछे पड़ने वाली प्रक्रिया है
वो जोसेफ बाइडन ने जारी रखी। तो एक तरफ यहाँ पे एक बड़ा कंट्रास्ट नजर आ रहा है कि जोसेफ बाइडन समिट फॉर डेमोक्रेसी कंडक्ट करवा रहे हैं और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जूलियन असेंज जिसने एक अनडेमोक्रेटिक बात को सामने रखा उसको यहाँ पे सजा देने की बात हो जा रही है। तो अगर फ्री वर्ड की बात करते हो, फ्री जर्नलिज्म की बात करते हो, तो इस पर्टिकुलर इंसान जूलियन असेंज का एक्सट्रेडिशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। बहुत लंबे समय से ये इंसान अपनी जिंदगी की कीमती साल गंदे हेल्थ में और प्रिजन में काट चुका है, ये हमेशा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर की जो चिप्स होती हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह डेवलप करने की बात की जा रही है। देखिए, इंडिया सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप्स बना सके और इसका एक मार्केट लीवर बन सके इसके लिए ताइवान की मदद से एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया लगाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट लीडर है और इसके लिए भारत सरकार $7.5 बिलियन का सपोर्ट भी दे रही है। टाटा ग्रुप तीन स्टेट्स तमिलनाडु तेलंगाना और कर्नाटका के साथ बातचीत कर रहा है कि कैसे भी करके इनके यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जाए। मोस्ट प्रोबेबली टाटा ग्रुप यहाँ पे $300 मिलियन खत्म करेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने में, राज्य की सरकारों की तरफ से भी ऑब्वियसली बात है थोड़ी मदद आएगी। अब देखा जाए तो इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर डेवलप करने में जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं, खासकर जो आंध्र प्रदेश के आईटी एल्यूमिनी है जो कि पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली की मेन मेन जगहों पर काम करके इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, वो ओवरऑल यहाँ पे इंडिया के अंदर इस प्रकार के सेमीकंडक्टर हब को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तेलुगु एनआरआईज हैं जो कि इस अपॉर्चुनिटी को लुक्रेटिव समझते हैं और इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आइडिया आज का नहीं है, इस आइडिया को 2014 में फ्लोट किया गया था। 2014 में एक फैब्रिकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री को आंध्र प्रदेश में बनाने की बात की गई थी। नास्कॉम उस समय पे प्रमोट करना चाहता था नेशनल टेक्नोलॉजी कॉरिडोर अलोंग कोस्टल आंध्र प्रदेश, जो कि विशाखापट्टनम, राजामुंद्री और विजयवाड़ा इलाके से निकलेगा। इन पर्टिकुलर इलाकों में ना पानी की कमी है ना सैंड की कमी है और इन दोनों चीजों के इनपुट से बनाए जाते हैं सिलिकॉन इनगॉट्स। नया रोड की कमी है, रेल की कमी नहीं है, पोर्ट्स की कमी नहीं है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कमी नहीं है, तो सारे इनपुट्स आसानी से मिल जाएंगे और जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगी उनको डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट्स तक आराम से डिस्पैच किया जा सकता है। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर रीजन में, अगर आप इस फील्ड में अगर आप देखोगे तो इंडिया का एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो कि बाहर के देशों में काम कर रहा है वो वापस आके इंडिया में काम कर सकता है अगर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ठीक है भाई, तो इसके लिए 2014 में जो नास्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट थे राजीव वैष्णव साहब, इन्होंने एक इंटेंसिव टूर लिया नीचे डेवलपमेंट को लेके और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की, गवर्नमेंट से मदद मांगी, गवर्नमेंट फाइनली यहाँ पे मदद कर रही है। तो सब कुछ चीजें अच्छी अच्छी हो रही, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां? देखिए, सिर्फ यहाँ पे सेमीकंडक्टर की चिप्स को फैब्रिकेट कर देना, बना देना, इससे काम नहीं बनेगा। डिजाइनिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये दो भी यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन के आते हैं। फिर यहाँ पे एक एल्यूमिनस है आईटी मद्रास के और ये सीईओ हैं आंध्र प्रदेश बेस्ड एफ्ट्रॉनिक्स के, डॉक्टर आर डी रामकृष्ण साहब। इनका क्या बोलना है कि बहुत सारे आईटी एल्यूमिनस के वर्चुअल ग्रुप्स हैं जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग है, इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा इकोसिस्टम इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में कैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? देखिए, चिप्स बहुत अलग अलग प्रकार की चीजों में लगती हैं, ट्रांजिस्टर से लेके अगर आप फ्रिज की बात कर लो, आपके हाथ में जो फोन है उसकी बात करो, जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं सब में चिप लगती है। नए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनने लगते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है उसके अंदर जो चिप होती है उस चिप की एक पर्टिकुलर डिजाइन होती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा इनोवेशन मैकेनिज्म होता है, उस डिजाइन की अपनी खुद की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी फॉरेन एंटिटी के पास है तब इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग बनाने का देखो कोई फायदा नहीं है। मजा तब आएगा जब हम इंडिया के अंदर एसओसी के सिस्टम्स ऑन अ चिप के मैकेनिज्म को इवॉल्व कर पाए, जिसके बेसिस पे इंडिया के अंदर प्रॉपर एक ऐसा इनोवेटिव आरएनडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सिस्टम बनाया जाए जिसके बेसिस पे
डिजाइन भी इंडिया के अंदर प्रयोग किया जाए, उस डिजाइन की इंडिया के अंदर आईपी रजिस्टर किया जाए, उस डिजाइन के आधार पर टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया जाए या फिर टेक्नोलॉजी के आधार पर डिजाइन पे इन्वॉल्व किया जाए और फिर उसके बेसिस पे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाए जो कि पूरी दुनिया में बिके, तब मजा आएगा। तो पूरा का पूरा जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं इसका एक इकोसिस्टम इंडिया के अंदर तैयार होगा। तो अभी के लिए ओवरऑल देखा जाए तो ये जो डिजाइनिंग इंडस्ट्री है चिप की, ये सिर्फ फैब्रिकेशन की बात करें लेकिन इस फैब्रिकेशन के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को जोड़ना और आप कह लो कि R&D के पूरे इकोसिस्टम सेटअप को जोड़ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और आंध्र प्रदेश की जो IIT लॉबी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स लॉबी है, इसमें बहुत दम से कोशिश कर रही है। लेट्स सी आगे क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।